हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू आर डूइंग वंडरफुली ग्रेट इन योर लाइफ। आज मैं आपके साथ एक DIY मास्क शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो गो एंड चेक माय चैनल और देखिए कि आपको मेरा चैनल क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आज मैं आपके साथ DIY मास्क शेयर करने वाली हूँ और इस मास्क के बहुत सारे फायदे हैं। ये आपकी स्किन को रिजुविनेट कर देगा और आपकी स्किन को लाइटर, ब्राइटर और टाइटर करेगा। अगर आप किसी भी एजिंग साइन को फेस कर रहे हो अपनी स्किन पे, जैसे कि सैगिंग स्किन या फाइन लाइंस या डिसकलरेशन, तो ट्रस्ट मी गाइज, ये मास्क आपके लिए है। बिलीव मी, इस मास्क के मुझे इतने फायदे हुए हैं, इसने मेरी स्किन को इतना अपलिफ्ट कर दिया है कि मैं आपको शब्दों में बता भी नहीं सकती हूं। तो इसके लिए आपको खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि इसके रिजल्ट क्या है, और एकदम बजट फ्रेंडली है। तो बिना डिले किए चालू करते हैं कि इस मास्क को बनाना कैसे है। तो दोस्तों, ये मास्क आपकी स्किन को अबंडेंट अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देने वाला है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, इसीलिए हमको एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है ताकि हमको वो मिले। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। उससे आपकी स्किन, नेल, हेयर, ओवरऑल बॉडी की जो हेल्थ है बहुत अच्छी हो जाती है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो आपकी स्किन, मतलब जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है, और आपकी स्किन के लिए जो स्किन की डलनेस होती है उसको कम कर देता है। आपकी स्किन की कोलाजन को प्रोटेक्ट करता है। कोलाजन मतलब जो आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट और सपल रखता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेशियल करवाने के बाद उनके चेहरे पे वो ग्लो नहीं आता है, वो चार्म नहीं आता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब बहुत कम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फूड अवेलेबल है। जो फूड आइटम्स के नाम मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो ये फूड आइटम्स का इनटेक करने के बाद हमको, जब वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो हमको 8% ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये फूड आइटम्स का इनटेक आपको हर रोज करना पड़ेगा ताकि आपकी स्किन पे इसको आप बैलेंस कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि ये आप इसका इनटेक एवरी डे करोगे तो आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। कुछ लोगों को नहीं होगी, कुछ लोगों को हो भी सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसको बैलेंस कैसे करें। तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट ले। बट बिफोर आई से एनीथिंग अबाउट द सप्लीमेंट, गर्ल्स बिलो 20 शुड नॉट एंड कैन नॉट यूज दिस सप्लीमेंट, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ 20 मतलब 21, 22, 23 वैसे पास करने के बाद ही आप ले सकते हो। तो इफ यू आर इन योर 30s, लेट 20s, 40, 50, 60 तो आप ले सकते हो, बट बिलो 20 प्लीज डू नॉट ट्राई। और आपकी स्किन के जितने भी इश्यूज है ना, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बॉडी में बैलेंस करने से ही सॉल्व हो जाएंगे। हमने जो चिया सीड को सोक किया था वो रेडी हो गया है, भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरे हुए हैं। अब ये जो है मिश्रण, वो हमारी बॉडी नहीं खाएंगी, हम नहीं खाएंगे, लेकिन इसको हम अपनी स्किन पे रखेंगे, मतलब फेस पे रखेंगे, और हमारी स्किन इसको अंदर ले लेगी, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगी। उसका मतलब ये हुआ कि हम नहीं खा रहे लेकिन हमारी स्किन खा लेगी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को। चिया सीड्स जो सोक हो गए है, उसमें से सारा का सारा पानी आप स्ट्रेन करके, मतलब छन्नी से निकाल दे, और आप नोटिस करेंगे कि इसमें से सिर्फ 2 या 4 चम्मच ही पानी निकल गया है या निकल रहा है, बाकी सारा का सारा जो पानी था वो चिया सीड्स ने सोक कर लिया है। अब पानी निकालने के बाद जो चिया सीड्स हमने रखे हैं उसको हम ब्लेंडर में डाल देंगे, एंड देन वी नीड टू स्क्वीज हाफ अ लेमन। अगर आप लेमन से कंफर्टेबल नहीं हो, डोंट वरी, स्किप इट।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेमन इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल ब्लीच जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, पोर्स को क्लीन करता है और ड्राई सेल्स को खत्म कर देता है। अब इस मिश्रण में आप मिलाओगे आधा चम्मच आमंड ऑयल मतलब बादाम का तेल। अगर आप गर्मियों में प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन ऐड आधा चम्मच कोकोनट ऑयल, और विंटर में ठंडियों में प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन ऐड आधा चम्मच आमंड ऑयल मतलब बादाम का तेल। बादाम का तेल स्किन के लिए मेरा फेवरेट है क्योंकि ये आपकी स्किन को ग्लो करता है, आपकी स्किन के जो सेल्स है उसका ये खाना है, मोस्ट नेचुरल मॉइस्चराइजर है जिससे आपकी स्किन एकदम सपल सॉफ्ट हो जाती है, ग्लो करती है और आपकी स्किन एकदम हाइड्रेटेड रहती है और एक्सफोलिएशन का जो प्रोसेस होता है उसको एकदम स्मूथ करता है। अब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आप अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा जो है ये ब्यूटीफुल सा अच्छा सा फेस मास्क। जी हाँ, तो आपका फेस मास्क रेडी हो चुका है। अब सवाल ये है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको आप डायरेक्टली ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो फेस पे, लेकिन उसके वजह से एकदम पतली सी लेयर बनेगी जो मेरे ख्याल से 3 या 5 मिनट में सूख जाएगी। तो इतनी मेहनत करने के बाद उसका जो फायदा मिलना चाहिए वो इतना नहीं मिलेगा जितना हमको चाहिए। तो मैं इसके साथ कुछ क्रिएटिव करती हूँ। तो ये टेबलेट टाइप का मास्क आता है जिसको हम पानी में डाल देंगे और जैसे हम पानी में डालेंगे वो अपने आप खुल जाएगा और खुलने के बाद आपको पता चलेगा ये फेस जैसा इसका शेप है। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पोर दिस मास्क जो लिक्विड है इसके ऊपर। तो ये मास्क पे मैंने ऐसे हमारा चिया सीड्स मास्क का लिक्विड डाल दिया है और अब ये जो एक्सेस लिक्विड है उसको हम ऐसे हटा देंगे, ऐसे करके सारा लिक्विड इसके अंदर वापस से डाल देंगे। सो गाइस, मैं रेडी हूं कि मैं पूरा मास्क चेहरे पे लगाऊं। ये मैंने पहन लिया है ताकि बाल बीच में ना आए। और ये है हमारा मास्क जिसको मैं थोड़ा सा ड्रिप होने दूंगी। ओके, तो इसको मैंने ऐसे लगा दिया है और अगर थोड़ा सा पानी थोड़ी बूंदें गिरेगी, इतनी ज्यादा नहीं गिर रही है एज यू कैन सी, बट आप इसको ऐसा कपड़ा लगा सकते हो तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके जो लिक्विड मास्क बना है उसको अपने चेहरे पे लगा के रखोगे तो काफी लंबे समय तक रहेगा। मिनिमम आपको 20 मिनट्स रखना है लेकिन मैं 30 मिनट्स 40 मिनट्स काफी लंबे टाइम तक रख के अपने काम खत्म कर लेती हूँ। और आधे घंटे के बाद जब आप इस मास्क को रिमूव करोगे तो गाइस यू आर गोइंग टू बी अमेज्ड। सीरियसली, ये मास्क इतना बढ़िया है। जस्ट यस्टरडे आई ट्राइड दिस मास्क एंड द रिजल्ट्स वर अनबिलीवेबली अमेजिंग। माय स्किन वाज सो सपल, स्मूथ एंड लाइक अ बेबी। जब आप ये मास्क ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। प्लीज डू ट्राई दिस मास्क ऑन योर फेस एंड कम बैक एंड लेट मी नो कि आपका इस मास्क के साथ एक्सपीरियंस क्या रहा, क्योंकि ये मास्क आपकी स्किन को, आपके चेहरे को बहुत न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट इज वर्थ योर टाइम, वर्थ योर मनी and efforts, so please try kare because I know that you're going to fall in love with this mask just like आई डेट। और हाँ, एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि एक बारी में ही आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे लेकिन आपकी फाइन लाइन्स है, रिंकल्स आ गई है, तो उसको सबसाइड करने के लिए आपको लगातार 7 दिन मतलब 7 days इन अ रो ये मास्क को ट्राई करना है ताकि आपको 10 times बेटर रिजल्ट मिले। ठीक है, तो जरूर ट्राई करना। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हाँ, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का बिकॉज आई एम गोइंग टू ब्रिंग समथिंग रियली एक्साइटिंग फॉर यू गाइज। तब तक आपका बहुत सारा ख्याल रखे और हमारी इस चैनल हाउ ब्यूटिफुल यू आर के साथ जुड़े रहे। टाटा।